नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 और हम सबकी राष्ट्रभाषा हिंदी विषय के लेक्चर में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आइए सुनते हैं एक कहानी, बहुत ही अच्छी कहानी है, एक दुखी गरीब बालक और भगवान बुद्ध की कहानी। एक बार भगवान बुद्ध किसी गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अपनी परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल, उसका उपाय लेकर वहां से खुशी खुशी लौटते थे। वहां पर सड़क के किनारे बैठा हुआ एक दुखी निर्धन गरीब बालक यह सब बड़े ध्यान से देख रहा था कि कैसे लोग बड़े परेशान दुखी चेहरा लिए हुए भगवान बुद्ध के पास जाते और हंसते हंसते बाहर आते थे। उसे यह सब देखकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा था। फिर उसने सोचा, क्यों न मैं भी अपनी परेशानी की जड़, अपनी निर्धनता, अपनी गरीबी को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाऊं। उनके पास अवश्य ही इसका कोई तो हल होगा, उपाय होगा। ऐसा सोचकर वह भी एक दिन भगवान बुद्ध के पास पहुंचा। वह बालक वहां जाकर उसने देखा कि सब लोग वहां पंक्ति बनाकर, यानी कि लाइन बनाकर, कतार बनाकर खड़े हैं। वे बारी बारी अपनी परेशानी बताते और भगवान बुद्ध प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर देते। बड़े ही संतोष के साथ सुनने वाला व्यक्ति प्रसन्न होकर भगवान बुद्ध को प्रणाम कर आगे बढ़ जाता। वह गरीब दुखी बालक भी लाइन में खड़ा हो गया। अपनी बारी आने पर उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। उसने पूछा, भगवान, इस गांव में सभी लोग, सभी बच्चे खुश है, समृद्ध है, सभी के माँ बाप है, फिर मेरे माँ बाप क्यों नहीं? फिर मैं ही क्यों इतना गरीब, इतना निर्धन? इस बात पर भगवान बुद्ध ने कहा, तुम निर्धन इसलिए हो कि तुमने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। अरे, आश्चर्यचकित होकर वह गरीब बालक बोला, भगवान, आप मेरी उम्र तो देखिए और मेरा हाल देखिए, मेरे पास किसी को देने के लिए क्या है? मेरा तो खुद का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। लोगों के पास भीख मांगना और भीख मांगकर ही अपना पेट भरना, यही मेरा काम है। मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूँ? इस पर भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम अपने ही भीतर के धन से, खजाने से अज्ञात हो। ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। ईश्वर ने तुम्हें प्यारी सी मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। मुंह से दो मीठे शब्द बोलकर किसी को प्रेरणा दे सकते हो। तुम्हें ईश्वर ने दो हाथ दिए हैं, जिससे तुम किसी लाचार, किसी बूढ़े की मदद कर सकते हो। जिसके पास यह तीन चीजें हैं, वह व्यक्ति कभी निर्धन नहीं हो सकता। निर्धनता तो केवल एक विचार है, एक सोच है। इसे अपने मन से इसी क्षण निकाल दो। भगवान बुद्ध की यह बात सुनकर उस बालक का चेहरा खिल गया। दुखी और गरीब होना एक भ्रम है, न कि एक वास्तविकता। सुख, सुखी और दुखी, छोटा या बड़ा, गरीब या अमीर, व्यक्ति अपने मन से, अपने विचार से होता है। हम जैसी सोच रखते हैं, वैसे ही हम बन जाते हैं। धन के बिना भी आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे आप लोगों की मदद करते जाओगे, वैसे वैसे आपके अंदर प्रसन्नता और आनंद की स्थिति स्थापित होने लगेगी। और यही प्रसन्नता, यही आनंद इस जीवन की, सुख की जड़ है। उसी से हमें सुख प्राप्त होता है, न कि धन से, न ही किसी और चीज से। तो आइए हम भी इस बात को अपने जीवन से जोड़ लें। चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो, स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, किसी को मुस्कुराहट बांटने के लिए, किसी को दो मीठे बोल बोलने के लिए, या किसी की मदद करने के लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। चलो
अभी हम आगे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। हमारा गद्य भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, जिनके लेखक है आनंद शंकर माधवन, जिनका लिखा हुआ यह निबंध है, इस विषय में हमने बात की थी। कि कैसे हमारी भव्य भारतीय संस्कृति की धरोहर गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें हमारे प्राचीन समय में भारत में आश्रम हुआ करते थे, जहां शिष्य ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से जाते थे, कई वर्षों तक वहीं आश्रमों में रहते थे, अपने गुरु से ज्ञान प्राप्त करते थे, वहीं रहते, आश्रम के कार्य करते, अपने गुरु की सेवा करते, पूर्ण समर्पित रहते, गुरु के एक एक शब्द का पालन करते। इस ज्ञान दान के बदले में गुरु भी कोई शुल्क की अपेक्षा न रखते, बस मेरा शिष्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करे, मुझसे भी आगे जाए, यही उनकी अपेक्षा होती थी। और शिष्य भी गुरु को गुरु दक्षिणा देने के लिए अपने प्राणों की भी परवाह न करते, गुरु को अपने शिष्य अपने पुत्र से भी अधिक प्रिय होते थे। पहले विद्यालय मंदिर के समान होते थे, और आज की स्थिति, आज यूरोप के प्रभाव से शिक्षा क्षेत्र में व्यावसायिक संस्कृति आ गई है। लेखक कहते हैं कि शिक्षक वेतन भोगी हो गए हैं। वेतन भोगी मतलब वेतन ही जिनके जीवन निर्वाह का आधार है, तो वेतन भोगी हो गए हैं, और शिष्यों को शुल्क यानी कि फीस देकर विद्या प्राप्त करनी पड़ती है। आज शिक्षण कार्य पेट पालने का साधन बन गया है। वैसे बच्चों, हमने हमारे आसपास देखा है, हम भारतीयों का स्वभाव कैसा होता है, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर, जो अपने आसपास कोई भी दिखे हमें उसका कोई महत्व नहीं होता। जैसे योग, ठीक है, प्राचीन काल से हमारे यहाँ योग चला रहा है, लेकिन हमको उसकी कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उसका कोई मूल था। जैसे ही विदेशों में योगा शब्द आ गया, और वहाँ से उन लोगों ने उसका महत्व जाना, उसको महत्व दिया, तभी जाकर हमने भी माना, हाँ योग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, आसन तो बड़े महत्वपूर्ण है। इसी तरह लेखक एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि प्रारंभ में विवेकानंद को भारत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं हुआ, पर जब उन्होंने अमेरिकन नाम कमा लिया तो भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। यानी हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद, जो कई सालों से यहाँ पर भारत की युवा शक्ति को जागृत करने के कार्य में लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पर उनकी किसी को परवाह न थी। जब हम सब जानते हैं कि विदेश में जब उन्होंने वह प्रवचन दिया, और उन लोगों ने, विदेशी लोगों ने स्वामी विवेकानंद की प्रतिभा को पहचाना, और जब वहाँ से वह वापस लौटे, तभी सभी हम लोग भारतवासी दौड़े मालाएं लेकर स्वागत करने। इसी तरह रविंद्रनाथ ठाकुर को भी नोबेल पुरस्कार मिला तो बंगाली लोग दौड़े, यह राग आलापते हुए, अमादेर ठाकुर कठोर सपूत। रविंद्रनाथ ठाकुर, जिनकी प्रचलित पुस्तक है गीतांजलि, जो बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं, लेकिन कभी हमारे भारत में उनको पहले सम्मान मान नहीं मिला। जब उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नोबेल से सम्मानित किया गया, तो बंगाली लोग दौड़े, यह राग आलापते हुए यानी चिल्लाते हुए, अमादेर ठाकुर अमादेर कठोर सपूत, यानी कि हमारे ठाकुर हमारे टागोर, ऐसा बोलते हुए सम्मानित करने लगे। ऐसे ही दक्षिण भारत में कुछ समय पहले तक भरतनाट्यम, कथकली, जो कि यहाँ के शास्त्रीय नृत्य है हमारे, उनको कोई नहीं पूछता था, कोई महत्व नहीं देता था, पर जब उसे विदेशों में मान मिलने लगा, तो आश्चर्य से भारतवासी सोचने लगे, अरे हमारी संस्कृति में इतनी अपूर्व चीजें भी पड़ी थी क्या।
यहाँ के लोगों को अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती, मगर पराये के सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाते हैं। जिस देश में ज्ञान पाने के लिए मैक्स मुलर ने जीवन भर प्रार्थना की, उस देश के निवासी आज जर्मनी और विलायत जाना स्वर्ग जैसा अनुभव करते हैं। मैक्स मुलर, जो कि जर्मनी का एक विद्वान है, और उस विद्वान को भारत में ज्ञान पाने के लिए जीवन भर उसने प्रार्थना की, जीवन भर वो तरसता रहा कि वह भारत आए और यहाँ के समृद्ध ज्ञान को प्राप्त करे, लेकिन इस समृद्धि को हम नहीं पहचानते। हमारे इतिहास में, आप सबके सोशल साइंस में भी यह आता होगा कि हमारे यहाँ भारत में तक्षशिला विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ, नालंदा विद्यापीठ जैसी कई विद्यापीठ, विद्यालय, विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और जहाँ से ज्ञान प्राप्त करने के लिए विदेशों से लोग यहाँ पर आते थे। और आज की परिस्थिति क्या है? आज लोग जैसे विदेश जाने के लिए, वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए, वहाँ पर सीखने के लिए जैसे लालायित है, विलायत जाना यानी स्वर्ग जाने जैसा अनुभव करते हैं, और कितना मान सम्मान मिलता है जो विदेश जाकर लौटता है, वहाँ से पढ़ाई कर लौटता है, यह हमारी कुंठित मानसिकता है। तो ऐसे लोगों को प्राचीन गुरु शिष्य संबंध की महिमा सुनाना गधे को गणित सिखाने जैसा व्यर्थ प्रयास ही हो सकता है। ऐसे लोग कैसे लोग के जो कि आज विलायत, विदेश जाने को स्वर्ग जाने जैसा समझते हैं, ऐसे लोगों को हमारे भारत का महत्व सिखलाना, यानी गधे को गणित सिखाना। देखो, गधे को गणित सिखाना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ प्रयास करना। गधे को गणित सिखाना यानी व्यर्थ प्रयास करना, उसका कोई मतलब नहीं। वह कुछ भी करो, ऐसे लोग समझेंगे ही नहीं। ठीक है, आगे। एक बार सुप्रसिद्ध भारतीय पहलवान गामा मुंबई आए। एक समय के यह एक प्रसिद्ध पहलवान थे जिनका नाम था गामा, और वे मुंबई आए। यह भारतीय पहलवान थे। उन्होंने विश्व के सारे पहलवानों को कुश्ती में चैलेंज दिया। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित होते ही एक पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश उनके निकट पहुंचकर उनसे पूछा। देखो, यह भारतीय पहलवान थे गामा, और उन्होंने पूरे विश्व भर के पहलवानों को चैलेंज किया था कि कोई भी आओ और मुझसे जीत कर दिखाओ। अखबारों में यह समाचार प्रकाशित हुए थे, और ये एक बार मुंबई आए और उन्होंने सारे विश्व को चैलेंज दिया था। तो किसी पारसी पत्रकार ने उत्सुकतावश ही उनके निकट यानी पास पहुंचकर उनसे पूछा। क्या पूछा? साहब, विश्व के किसी भी पहलवान से लड़ने के लिए आप तैयार हैं, तो आप अपने अमुक शिष्य, अमुक यानी कोई भी नाम दिया होगा शायद, अमुक शिष्य से ही लड़कर विजय प्राप्त करके दिखाओ। क्या कहा? कि आप तो विश्व भर में किसी से भी लड़ने के लिए तैयार है, तो क्यों ना आप अपने ही शिष्य से लड़ाई करो और जीतो और दिखाओ हमें। अब यह सुनकर गामा आजकल के शिक्षा क्रम में रंगे नहीं थे, यानी कि गामा, पहलवान गामा जो है, वह आजकल की तरह प्रोफेशनल नहीं थे, इसलिए उन्हें इन शब्दों ने हैरान कर दिया। आंखें फाड़ कर वह उस पत्रकार का चेहरा ताकते ही रह गए। उन्होंने सोचा कैसे कोई ऐसी बात कर सकते हैं, क्योंकि जब गुरु, पहलवान गुरु जो होता है, उसका शिष्य जो होता है, वह उसके पुत्र के समान होता है, उसके प्राणों से भी अधिक प्रिय हो सकता है, उसके साथ लड़ाई कैसे की जा सकती है। तो आंखें फाड़कर आश्चर्य से वह देखते रह गए, और बाद में धीरे से उन्होंने कहा, गामा पहलवान ने, कि भाई साहब, मैं हिंदुस्तानी हूँ, हमारा अपना एक निजी रहन सहन है, निजी यानी अपना, पर्सनल।
रहन सहन यानी लाइफस्टाइल, रहनी करनी। शायद इससे आप परिचित नहीं है। जिस लड़के का आपने नाम लिया वह मेरे पसीने की कमाई, मेरा खून है और मेरे बेटे से भी अधिक प्यार है। उसमें और मुझ में फर्क ही कुछ नहीं है। क्या कहा उन्होंने कि मैं कैसे उससे लड़ सकता हूँ जिसका आपने नाम लिया, क्योंकि वह तो मुझे मेरे बेटे से भी अधिक प्यारा है, वह मेरे पसीने की कमाई है। चलो, पसीने की कमाई यह भी एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कठिन परिश्रम का फल। यानी वह जो शिष्य है वह मेरे कठिन परिश्रम का फल है। मैं उससे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? वह और मैं एक ही हैं। मुझ में और उसमें कोई फर्क नहीं है। मैं लड़ा या वह लड़ा, दोनों बराबर ही होगा। हमारी इस परंपरा को आप समझने की चेष्टा कीजिए। चेष्टा यानी प्रयत्न। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। यह हमारी भारतीय परंपरा है। हम लोगों को वंश परंपरा से शिष्य परंपरा अधिक प्रिय है। वंश परंपरा यानी अपने पुत्र से अधिक प्यार करना, उससे अधिक प्रिय क्या है तो कि शिष्य परंपरा। ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं कि हम अपने शिष्यों से कम प्रभावी रहें। क्या कहते हैं गामा पहलवान कि हर गुरु जो होता है हमेशा यह चाहता है कि उसका शिष्य उससे भी आगे जाए, उसकी ख्याति उससे भी अधिक हो। तो गामा पहलवान भी कहते हैं कि ख्याति और प्रभाव में हम सदा यह चाहते हैं, गुरु यह चाहता है कि शिष्य अधिक प्रभावी हो और गुरु उससे कम प्रभावी हो। यानी हम यही चाहेंगे कि संसार में जितना नाम मैंने कमाया उससे भी अधिक, कहीं अधिक मेरे शिष्य कमाए। मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है। गामा पहलवान ने उन पत्रकार को बोल दिया कि मुझे लगता है आप हिंदुस्तानी नहीं है, अन्यथा आप ऐसी मांग करते ही नहीं। आगे देखते हैं। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पर पाया जाता है। हम सब ने देखा है बच्चों, जो रियलिटी शोज आते हैं ना टीवी पर, सब देखते होंगे मुझे तो लगता है। उसमें जो कुछ गाने वाले संगीत के या कुछ डांस वाले जो भी शोज आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो भी गाइड है, अपने कोच है, उनको प्रणाम करते हैं, उनके पैर पड़ते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आजकल भारत में गुरु शिष्य संबंध का यह भव्य रूप कहाँ दिखता है, तो एक तो साधुओं में दिखता है, पहलवानों में दिखता है, संगीतकारों में थोड़ा बहुत तो देखा जाता है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्य के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। भगवान रामकृष्ण जिनके शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद। तो लेखक कहते हैं रामकृष्ण को बरसों तक योग्य शिष्य को पाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा, प्रार्थना करनी पड़ी। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महत्वपूर्ण है, कितना महंगा है। क्योंकि जो ज्ञान उस गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया है, वह ज्ञान उन्हें किसी को तो देना होगा, तभी उनकी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। तो भगवान रामकृष्ण को भी अच्छा योग्य शिष्य पाने के लिए, उत्तम शिष्य पाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ी थी। इसी तरह आगे देखते हैं। इसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महत्वपूर्ण है। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। मतलब अगर गुरु को कोई संतान नहीं है तो इस बात का उन्हें उतना दुख नहीं होगा, किंतु अगर शिष्य नहीं है, कोई योग्य शिष्य नहीं, तो इस बात के लिए वे तैयार नहीं। इस संबंध में हैवान ईसा
का एक कथन सदा स्मरणीय है। भगवान ईसु, हैवान ईसा मतलब भगवान ईसु, ईसु ख्रिस्त का एक कथन, एक वाक्य स्मरणीय है, याद करने योग्य है। स्मरणीय का मतलब उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान हैं और उनकी जूतिया होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा मेरे अनुयायी यानी मेरे शिष्य मुझसे कहीं अधिक महान है। यीशु ख्रिस्त ने कहा कि मेरे शिष्य मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जूतियाँ मतलब पैरों में पहनने वाले जूते, उनके जूते होने जितनी भी योग्यता मुझ में नहीं है, ऐसा कहा उन्होंने। यही बात है, गांधी जी बनने की क्षमता जिन में है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं। लेखक कहते हैं गांधी जी सबको अच्छे नहीं लगते। झूठ बोलने वाला कोई होगा, छोटी छोटी आपत्तियों से घबराने वाला कोई होगा, उन्हें कभी गांधी जी अच्छे नहीं लगेंगे। जो सच बोलने से डरता है उन्हें कभी गांधी जी अच्छी नहीं लगेंगे, वो उनमें नुस्ख निकालेगा, उनमें कोई खोट निकालेगा। गांधी जी उन्हें ही अच्छे लगते हैं जो सच बोलने की क्षमता रखते हों, यानी जो गांधी बनने की क्षमता रखते हों, जो झूठ से अन्याय से लड़ने की क्षमता रखते हैं उन्हें गांधी अच्छे लगते हैं, और वे ही इनके पीछे चलते भी हैं यानी उनका अनुकरण करते भी हैं। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद भी सिर्फ उन्हीं को पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है यानी समाहित है, जिनमें इतनी शक्ति है कि वे स्वामी विवेकानंद बन सके, उन्हें ही वे अच्छे लगेंगे। आगे, कविता के मर्मज्ञ और रसिक स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। जो कविता का आस्वाद लेते हैं, जो उन्हें गुजराती में कहते हैं ना, मानते हैं, उनका आस्वाद करते हैं, वे रसिक लोग ही कविता के अधिक महान होते हैं, कवि से भी महान होते हैं। अच्छा, आगे है कविता के मर्मज्ञ यानी गुजराती में हम ऐसा कहेंगे मर्म ने जाननारा। कवितानो आखो जे सार छे, एनो जे मर्म छे, एनी जे चोट छे, एने जाननारा अने एने माननारा रसिक जे लोको छे, एज लोको कवि करता पण वधु महान छे, એમ આમાં લેખક કહે છે। એ રીતે આગળ, સંગીત કે પાગલ સુનને વાલે હી સ્વયં સંગીતકાર સે અધિક સંગીતકાર રસા સ્વાદન કરતે હૈ। રસા સ્વાદન યાની રસ કા પાન, તો સંગીત કે સુનને વાલે સંગીતકાર સે ભી અધિક સંગીત કા આનંદ ઉઠાતે હૈ। યહાં પૂજ્ય નહીં પૂજારી હી શ્રેષ્ઠ હૈ, મતલબ ભારત મેં ભગવાન સે ભી અધિક भगवान का पुजारी श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान, यह कहते हैं कि देव से भी अधिक गुरु को महत्व दिया गया है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। जो सम्मान पाते हैं उनसे अधिक महान कौन है? जो सम्मान देता है वह महान है। सम्मान देना कोई आसान बात नहीं है। किसी को सम्मान देना, किसी को रिस्पेक्ट देना, यह बहुत बड़ी बात है। हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं, रुकी मैं इसलिए कि आप याद कर लो अपने उस पल को कि जब क्लासरूम में कोई शिक्षक आता है, कभी कभी हम सब एक साथ खड़े होकर गुड मॉर्निंग करते हैं अपने मन से, और कभी कभी पराणे, जिसे कहते हैं ना गुजराती में पराणे, इतले के न छूटके करवू पड़े छे माटे, बराबर। तो कहवानो मतलब शू छे कि रिस्पेक्ट देने वाला महान है। रिस्पेक्ट देना सरल नहीं है, सम्मान देना सरल नहीं। जो दे सकता है अपने मन से वह कहीं महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, फूल में, लेखक क्या कहते हैं, फूल में कुछ नहीं, फूल का सौंदर्य, पुष्प का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में होता है। फूल का सौंदर्य, किसी भी चीज का सौंदर्य उसे देखने वाले की दृष्टि में होता है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में होता है। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुनिया में हमें
जो हमारी दृष्टि में होगा वही हमें बाहर भी दिखेगा। हम खुश हैं तो हमें सारी दुनिया खुश दिखेगी, अगर हम उदास हैं तो हमें सारी दुनिया उदास दिखेगी। ऐसा लगेगा दुनिया में कुछ है ही नहीं, चलो छोड़ो, है ना। आगे, यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। क्या कहते हैं कि यह सारी लाक्षणिकता है जो अभी हमें लेखक ने बताई कि कौन महान है, जो रिस्पेक्ट देने वाला महान है, कौन श्रेष्ठ है कि पूज्य नहीं, मूर्ति नहीं पर पुजारी श्रेष्ठ है, संगीतकार नहीं पर सुनने वाला श्रेष्ठ है। ये सारी व्याख्याएं जो हमें लेखक ने बताई, ये सब अजीब सी लग सकती है, अजीब हो सकती है। अजीब यानी विशिष्ट, विचित्र, जिसे गुजराती में कहते हैं, तो विचित्र हो सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। हमारे पूर्वज को हमेशा से ही यह सही लगी है। उत्तम गुरु में जाति भावना नहीं रहती, गुरु कभी जात पात में नहीं पड़ता। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं, पहलवान मुसलमान हो और उनका शिष्य हिंदू हो, ऐसा कई बार हुआ है। संगीतकारों के मुसलमान शिष्य भी रहे हैं, हिंदू संगीतकार हो और इनका शिष्य कौन होगा, मुसलमान, ऐसा भी हुआ है। यहाँ परख गुणों की है, साधना की और प्रतिभा यानी क्षमता की होती है, भक्ति और श्रद्धा की ही कीमत है, न कि जाति संप्रदाय आचार विचार या धर्म की। भारत हमारा, कई धर्म में मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, पर यहाँ जात पात देखकर, जाति संप्रदाय देखकर शिष्य नहीं बनाए जाते। यहाँ पर प्रतिभा देखकर, क्षमता देखकर, साधना और गुणों की परख कर ही शिष्य बनाए जाते हैं। इसीलिए तो हिंदू गुरु का मुसलमान शिष्य हो सकता है और मुसलमान गुरु का हिंदू शिष्य भी हो सकता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान, इसे मुसलमान बनाना चाहिए, या फिर यह मुसलमान है इसे हिंदू बनाना चाहिए तभी मैं इसे शिक्षा दूंगा, नहीं। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामाणी होते थे। रामाणी मतलब कि राम कथा करने वाला, राम कथा को गा गा कर पहले सुनाते थे, तो उन्हें रामाणी कहा जाता था। तो बड़े बड़े मौलवी लोग, मौलवी मतलब मुसलमान जो कोई संत होते थे उन्हें मौलवी बोलते थे। तो बड़े बड़े मौलवी लोग रामाणी हुआ करते थे, राम कथा करते थे। और आज देहातों में भरत मियाँ, देहांतो लिखा है पर वह देहांतो नहीं है, देहातो है, हा के ऊपर जो अनुस्वार है उसे नहीं गिनना है। तो आज देहातों में भरत मियाँ, देहात यानी गांव में भरत मियाँ, रंजीत मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं, यानी लोगों के ऐसे नाम होते हैं भरत, जो कि मुसलमान है फिर भी भरत नाम है, रंजीत नाम है, ऐसे। आजकल के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्यों ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं। सेवा लेने के अधिकारी कौन है, बच्चे, रोगी, असहाय, वृद्ध, उन्हीं को सेवा लेने का अधिकार है। परमेश्वर, उन्हीं को परमेश्वर का रूप समझना है, सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करना, किसकी, शिष्य की। सेवा रूपी पूजा से शिष्य की शक्ति को प्रज्वलित करने, शक्ति और सहृदयता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। पहले गुरु जो होते थे वो शिष्य से सेवा लेते थे, पर किस लिए, कि शिष्य समर्पित हो जाए। जितना वह समर्पित होगा, सहृदय होगा, उतनी ही उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। इसलिए वे गुरु थे जो शिष्यों से सेवा लेते थे। किसी भी ऐसे गुरु आजकल नहीं है, ऐसा लेखक कहते हैं। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है कि जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहे, यानी गुरु भी उतना ही दे पाएगा शिष्य को
कि जितना शिष्य में भाव भरा रहेगा, अगर शिष्य में भाव नहीं है तो फिर गुरु उसे कुछ नहीं दे सकता। गुरु कितना भी सिखाए वह सीख नहीं सकता। इसीलिए तो होता है ना, पूरे क्लास को एक शिक्षक जो है पूरे वर्ग को एक साथ समझाता है, कोई समझ पाता है कोई नहीं समझ पाता। उसकी वजह शायद यही रही होगी कि उसका उतना भाव नहीं है जितनी मात्रा तक, क्या कहते हैं लेखक, कि देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी ही रहेगी जितना भाव, जितना लोगों का, जितना पुजारी का भाव उस मूर्ति में रहेगा, और तभी तो वह इतनी प्रभावशाली होगी। शब्द है नैवेद्य भावना। नैवेद्य भावना मतलब कि अपने आप को समर्पित करने की भावना। वैसे नैवेद्य का मतलब हम सब समझते हैं, गुजराती में निवेद बोलते हैं, यानी कि कुछ भी भेंट देने की भावना जो भरी रहती है। जितनी पुजारी की पूजा में भाव रहेगा, जितनी समर्पित होने की भावना रहेगी, उतनी ही मात्रा की शक्ति उस मूर्ति में रहेगी। इसी तरह शिष्य का समर्पित भाव ही गुरु को श्रेष्ठ बनाता है। तो मित्रों, यहाँ हमारा यह गद्य समाप्त होता है। थैंक यू, बाय बाय।